हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल विवेक डांस ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस 2024 जो भर्ती अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी अटकी हुई है, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से एकदम अटकी हुई है, उसके बारे में कुछ दो चार लाइनें बात करने वाले हैं। जो मैं इस बात बोलूँगा एकदम सटीक जानकारी देता हूँ। आपको पता ही है कि मैं ऐसे ही मतलब YouTube पे वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ, मेरे को जानकारी मिलती है कुछ ना कुछ, तब इस वजह से मैं मतलब वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बिहार पुलिस भर्ती 2024 से 21,391 सीट वाला जो भर्ती है उसका एग्जाम जो रद्द हो चुका है। 1 अक्टूबर को एग्जाम है, उसके बाद 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का एग्जाम रद्द हो गया है। उसके बाद अभी तक उसके बारे में कुछ सूचना नहीं आई, मतलब कब इसका एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड जारी होगा, मतलब इसके बारे में कुछ सूचना नहीं आई। तो मैं आपको बता दूं कि इसका एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, मतलब पूरी तरह से एकदम जानकारी आपको देता हूं। 100% में से 99% मतलब हर एक बात में सच कहूंगा बिहार पुलिस की भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि ये बात तो सही है कि मतलब अभी तक कुछ इसके बारे में मतलब सूचना नहीं हुई है और बिहार आयोग अभी कुछ ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि बिहार आयोग जो है वो बैठा नहीं है, वो मतलब अपना काम कर रहा है। ये बात सही है कि मतलब एक एक क्वेश्चन को तैयार करने में 100 प्रश्न होते हैं, 100 क्वेश्चन को तैयार करने में मतलब बहुत ही समय लगता है, 100 क्वेश्चन तैयार करने में, फिर उसके बाद मतलब एग्जाम सेंटर कंडक्ट कराने में पूरे बिहार भर में। और इतनी बड़ी भर्ती है, लगभग 18 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने आवेदन ऑनलाइन किया है, जिसमें से 18 लाख में तो मेरे हिसाब से कम नहीं तो 16 से 17 लाख है, मतलब 15 लाख तो मतलब 100% फिक्स है कि 15 लाख अभ्यर्थी एग्जाम इसका देंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में पहली बार भर्ती है, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें समय लगेगा। और लेकिन ये बात एक बात आपको और मैं बता दूँ कि इस बार जो भर्ती होगी दोस्तों, तो मतलब पूरी बिल्कुल तरह से एकदम साफ सुथरा भर्ती होगी। इसमें मतलब धांधली मतलब दलाल को जो होते हैं फिर है, वो सब सेटिंग वाला वो सब कुछ काम नहीं आने वाला है मेरे भाई, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं, आपके पास मैं आपको बता दूं कि एकदम आपको एग्जाम के एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, तो आपको मैं बता दूं कि अभी चल रहे हैं मई का महीना और मई महीने में अभी 8 तारीख है, लगभग 8 तारीख है, 8-9 तारीख है शायद, कन्फर्म याद नहीं आ रहे हैं, हाँ 8 तारीख है, 8 तारीख है। और 1 जून को आपको मतलब पूरे लास्ट चरण तक एग्जाम है बिहार में, 1 जून को तो एग्जाम खत्म, सॉरी एग्जाम बोल रहा हूँ, 1 जून को आपका इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो 1 जून के बाद 4 जून को नई सरकार बन जाएगी। जैसे ही चुनाव खत्म होगी दोस्तों, जैसे ही चुनाव खत्म होगी एकदम धड़ाधड़ मतलब ऑफिशियल अपडेट सब चीज़ आने लगेगा। बिहार पुलिस के बारे में ही नहीं, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, बिहार टीचर सब के बारे में एकदम धड़ाधड़ न्यूज आने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो इतना मैं आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी में नहीं लगे हैं तो कृपया करके तैयारी कीजिए, पहले रिटर्न का एग्जाम होगा। और कृपया करके आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अभी आप EWS और NCL के बारे के चक्कर में मत पड़िएगा, EWS और NCL उस चक्कर में तभी पड़िएगा जब मतलब आप रिटर्न निकालिएगा तब ना भाई, अब रिटर्न निकालिएगा नहीं इधर ही छट जाइएगा तो उधर EWS NCL का करिए क्या आप? तो ठीक है दोस्तों, आप अभी EWS NCL के फेरे मत पड़िए, हम मतलब उसमें थोड़ा सा अपना समय लगाइए, आपको उसके बारे में आप अपना अपडेट जानकारी उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि किसका सिलेक्शन होगा, जो अगर EWS नहीं है NCL नहीं तो उसके समस्या का समाधान इस वीडियो में मतलब मैं वीडियो पर डाल चुका हूँ, आप मेरा प्लेलिस्ट खोल कर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि पूरा मई में 20 दिन, मई के बाद जून 20 दिन, आपको मतलब जून जून के लास्ट तक, जून के लास्ट 20-25 जून के बीच में आपको ऑफिशियल एडमिट कार्ड का एकदम दिन आ जाएगा कि इस दिन आपका एग्जाम होगा। और 1 जुलाई से, जुलाई के फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम 110% होगा, ये मैं लिख के बोल रहा हूँ दावे के साथ। इसलिए 20-25 मतलब जून के लास्ट महीने में एडमिट कार्ड आपके हाथ में होगा और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम, एकदम आप एग्जाम सेंटर पर रहिएगा, इतना मतलब बात एकदम बैठा लीजिएगा दिमाग में। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगा क्योंकि पंखा बंद करके वीडियो बनाने बहुत ही गर्मी लगती है। ठीक है दोस्तों, और बाकी अपना ख्याल रखिएगा। और अभी तो मैं यही बोलूँगा कि आपके पास डेढ़ दो महीने का समय बचा हुआ है तो कृपया करके आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई शुरू कीजिए, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, कम से कम पूरे 4 घंटे पढ़िए, सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। धांधली नहीं है तो इस बार इतना याद रखिएगा, कि OBC
और ओबीसी का मैं आपको कटअप बता दूं कि लगभग 60 और 65 के बीच में एक नंबर बेसी नहीं, एक नंबर अधिक नहीं जाएगा, और जनरल का 65 से 70 के बीच में, मतलब 70 नंबर के एवरेज इधर लाइएगा आप, 60-65 तक, 60 और 70 के बीच में नंबर लाइएगा किसी भी कैटेगरी से आप हो, ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, एससी एसटी हो, ईबीएससी हो, कुछ भी हो, कोई भी कैटेगरी हो, आपका सिलेक्शन 110% होगा, रिटर्न निकल जाएगा। बाकी आप मेडिकल में क्वालिफाइड नहीं हुए उसका बात अलग है, लेकिन मैं रिटेन का बता दूं कि 60 और 65 के बीच में नंबर लाइए रिटेन में, आपका बिहार पुलिस रिटेन 110% निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं भी पढ़ाई पर थोड़ा बहुत ध्यान दूंगा, क्योंकि मेरी भी शादी उदी होनी थी, तो मतलब सब निपट गया है, और थोड़ा बहुत काम बचा है, उसी में बिजी चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ठीक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।